कहां चला गया ये? क्या मालूम, चला देखते हैं। इतने से काम के लिए इतनी देर? ओए! अबे इधर आ, इधर बैठा रहा हूं मैं। अबे इससे छोटी गाड़ी नहीं मिली क्या तुम लोगों को? चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, टाइम नहीं मेरे पास। अदा चलना। चल 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 चल। गाड़ी जल्दी चलाओ। जल्दी अंग्रेज के टट्टू। गाड़ी ले जाओ। क्या कर रहे हो? अरे चप्पल उतार रहे हैं, अंदर चल गई तो? ठीक है ठीक है। वेलकम वेलकम माय बॉय, वेलकम। जिस बहादुरी से तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है उसके लिए हम तुम्हारी कितनी भी तारीफ करें कम है। कम है तो करते जाओ। 420, 840 तक हम फ्री हैं, जितनी तारीफ करनी है करते जाओ, हम सुन रहे हैं। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, कम ऑन कम ऑन, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। बेटे इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ। अच्छा, तो क्या आप इस घर को छोड़कर बाहर बस्ती में बसने जा रहे हैं? वहां भी चले जाएंगे बेटे अगर तुम्हारी मदद मिली तो। अरे प्रॉमिस, एक ना एक दिन तो तुम्हें वहां पहुंचा कर ही रहूंगा। सुनो, कहीं तुम हमारी टांग तो नहीं खींच रहे? नहीं, फिलहाल तो मैं इनके गाल खींच रहा हूं। नॉटी बॉय, जॉली चैप, वेरी वेरी जॉली बॉय। साहब यकीन मानिए, लाइफ में मैं पहली बार इतना हंसा हूं। देखो बेटे, हम ये चाहते हैं कि तुम ये टांगे वांगे का घटिया काम छोड़ दो और आप लोगों के साथ मिलके कोई बढ़िया काम करो ताकि आप जैसा बड़ा आदमी बन सको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये लो तुम्हारी बहादुरी का इनाम। अरे इतने सारे पैसे, मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, जमा कहाँ करूंगा? हाँ, इसे बैंक में जमा नहीं करते, ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी, काला पैसा। ओ चलो, आज ये तो पता चला कि गोरी सरकार के पास कुछ तो काला है। पैसा काला हो या सफेद, पैसा पैसा होता है। और इंसान काला हो तो इंसान नहीं, गोरा हो तो इंसान होता है। ची 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 ची, तुम भी कौन सी बेकार की बातों को लेकर बैठ गए हो? हैं, अरे इन पैसों से गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ या गरीबों को? नहीं बेटे, दोनों को। देखो राजू बेटे, इन पैसों से अगर तुम एक बंगलो खरीदो और उस बंगलो के सामने गंदी बस्ती हो जैसे इस महल के सामने है तो तुम्हें कैसा लगेगा? है सवाल अच्छा है, इसके जवाब के लिए तो जरा सोचना पड़ेगा। एक छोटा मिलेगा? छोटा क्यों, पटियाला लो। सिर्फ पटियाला ही क्यों, हम तो सारा हिंदुस्तान लेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम? नोट के लिए हो रहे हैं? अभी सुखाए देते हैं। अरे अरे अरे,
ये क्या किया तुमने हैं? काले पैसे को काला कर दिया। सुना है कि कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, मगर काला धंधा करने वालों के तो मुंह भी काले हो जाते हैं। What nonsense, nonsense is this? क्या हुआ बेटे? अरे काले पैसे से खरीदने चले थे इंसान को, लेकिन हम वो बेईमान नहीं जो बेचते हैं अपना ईमान। शाबाश बेटे। ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटी तुम ये टेरेस पर क्या कर रही हो? बनिए मत डैडी, जिसने आपकी बेटी की जान बचाई आज आप उसी की जान लेने पे तुल गए हैं। जिसकी झोली चांदी से भरनी चाहिए आपको आज आप उसी के सीने में लोहे की गोली दागना चाहते हैं। इनाम में नोटों का बंडल दिया गया था उसे, मगर उसने उन्हीं नोटों को जलाकर उसकी राख से तुम्हारे डैडी का मुंह काला कर दिया। लोग तो कहते कि इनका मुंह उसी दिन काला हो गया जिस दिन इन्होंने अपने आप को और अपने मुल्क को बेच दिया। ये तो अपने देश में बैठे परदेसी बने हुए हैं। रुबी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है डैडी। ये तुम नहीं, वो ठगने वाला तुम्हारे मुंह से बोल रहा है। रूबी को तमाचा मारने से क्या होगा? अगर इस बीमारी को जड़ से काटना है तो उस टांगे वाले, अगर उस टांगे वाले को कुछ हुआ तो यहाँ से दो जनाजे उठेंगे, एक उस बस्ती से और दूसरा आपके इस महल से। तुम उस टांगे वाले के लिए अपनी जान देना चाहती हो जिसे शायद दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी? ऊपर वाला उसे भूखा जगाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाता है, इज्जत की खाता है, किसी के सामने अपना हाथ फैलाता नहीं। रूबी, रूबी! देखा देखा डायर साहब, आपने जिस लड़की को मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वही लड़की मुझे आंखें दिखा रही है। रूबी को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी शादी मेरे बेटे डैनी से कर दो। रूबी कमान की तरह टेढ़ी हो गई है, इससे मेरा बेटा तीर की तरह सीधा कर देगा। साहब, डैनी साहब, आपके सिपाही 2 महीने पहले मेरे माँ बाप को अस्पताल ले गए थे, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। बताइए ना साहब, कहाँ है वो, बताइए। तुम्हारे इन गंदे हाथों से हमारी ये टोपी मैली हो गई है, अब इसे साफ कौन करेगा? लाइए मैं साफ कर देता हूँ। ये लो। साहब देख क्या रहे हो, जाओ इसे धोके लाओ, जाओ। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ डैनी साहब, मैं अंदर खींचा जा रहा हूं। ये पानी नहीं, पानी के नीचे दलदल है। बहुत ख्वाहिश थी अपने माँ बाप से मिलने की, है? मुझे मरने से बचा लीजिए डैनी साहब, मैं नीचे धोता जा रहा हूँ डैनी साहब, मुझे बचा लीजिए। और कोई है जो अपने माँ बाप से मिलना चाहता है? है? कोई नहीं। बहुत कमजोर है ये हिंदुस्तानी गुलाम, डायर साहब से फोन पर कह दो कि यहां और गुलाम भेजे जाएं। यस सर।
जाओ इन्हें। कहाँ जा रहे बेटी? उसी के पास जिसने मेरी जान बचाई थी। देखो बेटी, उस दिन का कहा सुना माफ। मैं चाहता हूं बेटी के थोड़े दिनों के लिए तुम डैनी के यहां चली जाओ, चेंज भी हो जाएगा और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। मैं इतने सालों से आपको नहीं समझ सकी तो कुछ ही दिनों में उस लड़के को कैसे समझूंगी जिसे आपने पसंद किया है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो बेटी कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें वहां भेजने पड़े। जबरदस्ती? आप तो क्या, आपका युवस्को से कहो कि इसे डैनी के यहां ले जाए।